और इसी बीच बड़ी खबर भिलाई से आ रही है। आपको बता दें जहां पर जेल में बंद कैदी हुआ बीमार, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिलाई से। कैदी को मेकाहारा अस्पताल में कराया भर्ती। स्मृति नगर चौकी पहुंचे परिजन, पुलिस पर मारपीट का लगाया आरोप। परिजन समेत बस्ती के लोगों ने किया पथराव। भीड़ को खदेड़ने पुलिस ने किया बल प्रयोग, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिलाई से, जहां पर जेल में बंद कैदी हुआ बीमार। कैदी को मेकाहारा अस्पताल लाया गया है, जहां पर इलाज के लिए भर्ती किया गया है। स्मृति नगर चौके पहुंचे परिजन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि जो है जुड़ गए फोन लाइन पर। रवि, बात की जाए, भिलाई जेल में बंद कैदी बीमार हुआ है, जिसको जेल प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती कराया है रायपुर के मेकाहारा में, आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिये, 33 दिन पहले जेल में दाखिल हुए पिंटू नेताम, जो 19 वर्ष का था, जिसको लूट चोरी के मामले में स्मृति नगर पुलिस चौकी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जिसके बाद उसकी बेदम तरीके से पिटाई की गई थी, जिसमें परिजनों का आरोप है कि उसकी बेदम तरीके से पिटाई की गई थी। उसके दोबारा रिमांड में लेने के बाद भी उसकी बहुत पिटाई की गई थी, जिससे वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गया। और यहाँ तक विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि वह इस वक्त मेकाहारा अस्पताल रायपुर में कोमा की स्थिति में पहुंच गया है, जिसके बाद उग्र हुए परिजन और उसके मोहल्ले वासियों ने आज स्मृति नगर चौकी का घेराव किया, जिसके बाद भीड़ को तीतर बितर करने के लिए स्मृति नगर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ गया। जी चलिए रवि, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर भिलाई से थी, जहां पर जेल में बंद आरोपी की जो है तबीयत खराब हुई है, जिसे मेकाहारा में भर्ती कराया गया है।